नमस्कार। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मंच के बैनर तले आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने साइबर क्राइम को कम करने में मीडिया और लोगों से सहभागिता की अपील की। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि देश में साइबर क्राइम की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। इसे रोकने के लिए देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर साइबर क्राइम पर कंट्रोल किया जा सकता है। देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में कुछ भी समाचार डालकर देश में भूचाल मचाने का काम मिनटों में किया जा रहा है। यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र का हनन कभी भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के कारण देश के लोग आपस में लड़ रहे हैं। इंटरनेट का आविष्कार जनता की सुविधा के लिए किया गया है, लेकिन यह तो जनता के विनाश का कारण बनते जा रहा है। इसी अपराध को रोकने के लिए 2 दिनों का शिविर लगाकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंद्रेश कुमार ने प्रेस वार्ता में कहा कि इस बार 15 अगस्त को देश के मदरसों में भी राष्ट्रगान गाया जाएगा। 30 जुलाई को मुस्लिम बच्चों द्वारा कसाब नहीं कलाम चाहिए का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं देश के सैनिकों को मुस्लिम बहनें राखी बांधेगी। इसलिए साइबर वारफेयर और साइबर क्राइम इस बात को कहता है, भारत तुलनात्मक दृष्टि से दुनिया में मॉरल कंट्रीज है, मॉरल वैल्यूज वाला है, और जो जितना एडवांस कर गए हैं वो इमोरल वैल्यूज वाले कंट्रीज हैं। क्योंकि आप किसी के घर में चोरी करेंगे तो इमोरल वैल्यूज होंगे तो ही चोरी करेंगे, मॉरल वैल्यूज के होंगे तो चोरी नहीं करेंगे। आप इमोरल वैल्यूज के होंगे तभी अटैक करेंगे, अगर मॉरल वैल्यूज के होंगे तो यू अवॉइड द अटैक, यू गो टू द डायलॉग। इस बात को आप सब लोगों ने पूरी ताकत से उठाना चाहिए। वारफेयर ऑफ इमोरलिटी है, बिटवीन मॉरलिटी है। दूसरी बात जो इस वारफेयर की बहुत संजीदगी से है, कहते हैं कि अगर आप टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो डेवलपमेंट दे देगी, अगर आप उसको बर्बादी डैमेज करने के लिए करेंगे तो वो बर्बादी दे देगी। For more information, log on to www.clips.in.